ये हो गई हमारी आज की अफ्तारी। यारा जी चाय बड़ी जबरदस्त है लेकिन किस्मत ख़राब निकली। खैर जी ऊपर लिखा भी हुआ है सियोल। पूरी रात को तो सोए नहीं है लेकिन अब भी देखेंगे कि बस में अगर सो सके। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज जो है 20 रमज़ान है, इसी वजह से मेरा मूड बना कि क्यों ना सियोल की तरफ जाया जाए। काफ़ी दोस्त अहबाब हैं, अभी तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, देखते हैं कि बस की टिकट मिलती भी है कि नहीं। निकल तो आया हूँ जी। ये है बस टर्मिनल, टिकट बुक कराते हैं। ये देखें जी टिकट आ गई है, 20,900 तकरीबन पाकिस्तानी 4,500 बन जाते हैं। टिकट कराने के बाद अफ्तारी का सामान लेते हैं क्योंकि हमारी अफ्तारी जो है ना वो रास्ते में होगी। तो चलें देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो जी पिछले स्टोर में तो कुछ नहीं मिला, अब देखें ई मार्ट, इसमें अक्सर चीज़ें होती हैं। तो इधर जा कर देखते हैं कि अगर कोई खाने की चीज़ मिल जाए। तो ये एक जूस मिल गया है फाइनली, और ये दो बिस्किट हुए, बड़ी मुश्किल से ढूंढने हैं। मेरे ख़्याल में ये जो पीछे मेरे बस खड़ी है यही शायद है, क्योंकि जो ऊपर लिखा भी हुआ है सियोल और टाइम भी बताया हुआ है 7 बजे। ये है बस, ये हर बस में कोई ना कोई जो चेंजिंग ज़रूर होती है। अब इसमें वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है, कप होल्डर है, और ये देखें LCD वगैरह भी है, और वाईफाई सिस्टम भी होगा। ये देखें जी टिंग बटन्स। तो जी ये हो गई हमारी आज की अफ्तारी। पूरे 7 बज रहे। तो जी अभी हमारे भी अफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो अभी अफ्तारी करते हैं। बस के पूरे सफ़र में सोए रहे हैं तो इसीलिए हमने सोचा कि मुँह हाथ धो लिया जाए। तो अभी जो है अगला सफ़र शुरू करते हैं सबवे का। जी यहाँ पे मैप बना हुआ है सबवे का, और अभी मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि इस साइड वाली पे जाना है या इस साइड वाली पे जाना है। तो फाइनली पता चल गया कि अगला कौन सा स्टेशन है, जैमोन वाली साइड पर जाना है। और इधर इन्होंने ये देखिए लिखा हुआ है, देखिए ट्रेन अपोजिट साइड पे भी है, तो हमने जाना है इस तरह राइट साइड पे। मुझे यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होती है और इसी वजह से ना मुझे सबवे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता इस साइड पे जाना है या उस साइड पे जाना है। ये देखें जी भाई सोल सोल है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है पीछे। तो अभी हम पहुंच गए हैं, तो जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद के लिए जाते हैं, और फिर देखेंगे सुबह सैरी के टाइम दोबारा वापस रवाना होते हैं। यारा जी चाय बड़ी ज़बरदस्त है जी। और चाट भी मिल गई, चावल भी मिल गए, ये इन्होंने ढूंढ के दिए। करूं मैं जा
ये देखो जी, शहरी बन रही है इधर। टमाटर रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है रोटियाँ बन रही हैं। ये वैसे पिज़्ज़े वाला है, लेकिन यहाँ पे ये है कि रोटियाँ बनाकर और उसके ऊपर ये सुराख करके ताकि ये भीड़ ज़्यादा जा सके। ये देखें, इधर से चलती है और इधर बन के निकलती है। और ये देखें, ये हैं हमारे ज़ुल्फ़िकार भाई और माशाल्लाह से ये रोटियाँ बना रहे हैं। दिखाएं जी रोटियाँ, क्या बात है। और इधर जनाब ये क्या लग रहा है, इसके ऊपर मक्खन लग रहा है। ये देखें रोटियाँ, माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त सहरी भी हमने की। सहरी में जो है ना गोश्त की कढ़ाई थी और साथ में लस्सी वगैरह भी थी, चाय भी थी। और नमाज के बाद अभी दोबारा वापस चल पड़े हैं क्योंकि 12 बजे से पहले पहले लैब में पहुंचना है। पूरी रात को तो सोए नहीं, लेकिन अब भी देखेंगे कि बस में अगर सो सके। यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, ये देखें पीछे, क्योंकि 6:30-7 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं, जो एप्लीकेशन पे तो सीट नहीं नज़र आ रही थी, अभी दोबारा देखते हैं कि सीट खाली है कि नहीं। मैंने 8:05 वाली टिकट ले ली है, 16,000 की है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 3500 के करीब बन जाते हैं। तो इन सारी मशीन से आप टिकट बुक करा सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये टर्मिनल दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये देखें, पीछे हमारे सिटिंग एरिया है और यहाँ पे भी इसी तरह की कोई शॉप वगैरह है। ये देखें, यहाँ तो जी बेकरी के आइटम्स हैं, एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। बहुत प्यारा टर्मिनल इन्होंने बनाया हुआ है। तो अब 1 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करते हैं। हम तो सोच रहे थे 7 बजे वाली पे निकल जाएंगे और सुबह 7 बजे कोई होगा भी नहीं, लेकिन किस्मत ख़राब निकली जी। ये देखें, यहाँ पे मिनी केबन्स हैं और इधर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात मौजूद हैं, जिस तरह चार्जिंग हो गया, वाईफाई वगैरह हो गई। अभी मैंने एक वीडियो इधर ही बनाई है और अपलोड भी कर दी है। अभी हम इस बस पे जाएंगे। वैसे ये वाली जो बस है मतलब प्रीमियम क्लास से एक स्टेप डाउन वाली है। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का फ़र्क है। तो ये है कि इसमें एलसीडी नहीं लगी हुई और यहाँ पे केबल्स वगैरह नहीं बने हुए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।